मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र में विगत दिवस 6/9/2022 को एक शुक्ला रोड में कपड़ा व्यवसायी हैं रंजन कुमार, उनके फ़ोन पे कुछ अपराधकर्मी रंगदारी मांग किए, जिसमें बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित गति से एक SIT का गठन किया गया, जिसमें नगर थाना अध्यक्ष एवं वहाँ के सहकर्मी तथा DIU की टीम के द्वारा छापामारी की गई और सूचना संकलन करते हुए दोनों अभियुक्त जो प्राथमिकी के नामजद हैं टब्बू पटेल उर्फ सुबोध पटेल एवं अभिषेक पटेल, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जिस मोबाइल से रंगदारी की मांग की गई है वो भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी एक की गिरफ्तारी उसके घर से हुई है और दूसरे के रास्ते से हुई है, अखाड़ाघाट रोड से गिरफ्तारी हुई है। तो पहले का रिकॉर्ड भी है जी, इन दोनों का पूर्व से भी इतिहास रहा है। एक डब्बू पटेल और सुबोध पटेल जो हैं ये SMIC का अवैध कारोबारी हैं और कई कांडों में वांछित रहे हैं, अभी भी वो सदर थाना के एक कांड में वांछित हैं। हथियार भी दिया गया था? हथियार जो वीडियो फुटेज दिख रहा है उसमें इनके पास हथियार जैसा कुछ दिख रहा है, उसके संबंध में हम लोग आगे छानबीन करके कार्रवाई कर रहे हैं। व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए हथियार? व्यवसायियों की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, जिनके विरुद्ध रंगदारी का है मामला और उनको सुरक्षा मुहैया करा दी गई है, और बाकी जिस तरह से हम लोगों के पास और किन्हीं को लगता है तो उनको सुरक्षा हमेशा देते आए हैं, देते हैं। इस तरह की घटनाएँ फ़ोन पर मांगी जा रही है, उसका सत्यापन किया जा रहा है, लेकिन इनके पास कोई उस तरह का रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है, जबकि फ़ोन के द्वारा मांगा गया है। एक रिकॉर्डिंग है जिसमें कि गाली गलौज की बात सामने आई है, वीडियो फुटेज का भी अवलोकन किया जा रहा है, और हम लोग किसी भी सूरत में किसी भी अपराधी को रोकते नहीं हैं। आप लोग सभी वाकिफ़ हैं, हमारे कप्तान साहब इसमें काफ़ी संजीदगी दिखाते हैं, और अपराधी कोई भी हो उनको बख्शा दिया जाएगा। आपको आता है सच का आईना।